हेलो दोस्तों, आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता था। इट्स ओनली अ थॉट, जस्ट अ थॉट। क्या स्टेट हमारा खुदा है? इज स्टेट द न्यू गॉड? तो दोस्तों, याद करें, 2016 8 नवंबर, आई होप आई गॉट द ईयर राइट, 8 नवंबर का दिन था जब हमारी सरकार एक एक निर्णय लेती है कि जितने भी नोट आपके जेब में हैं वो सब बेकार है। नोटबंदी सब बेकार है। अब सोचिए दोस्तों कि लोग क्या इमरजेंसी में थे, क्या प्रॉब्लम में फंसे थे, पर स्टेट का एक डिसीजन का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि ऑलमोस्ट वो हमारी सोशो पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ को हिला के रख दिया। कल्चर मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि उस टाइम पे सोचिए कि जो बंदे के घर में शादी थी उसकी क्या हालत हुई होगी। रिलीजन अंडर द गाइज ऑफ एन इमेजिनरी गॉड, मजहब कोई ये ख्याली खुदा के का नाम लेके कुछ यही हरकतें करता है, वो भी हमारे सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ को इसी तरह मैनिपुलेट करता है जिस तरह हमारी सरकार करती है। मैं स्टेट को एक नया खुदा ही समझता हूँ और मैं समझता हूँ सही। बहुत सारे एथिस्ट मेरी ये बात से मुत्तफिक होंगे क्योंकि देखिए, खुदा नाम की तो कोई चीज है नहीं। देर इज नो गॉड, एब्सोल्युटली नो गॉड, देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो स्टेट ऑलमोस्ट वही गॉड का काम कर रहा है, वही इमेजिनरी गॉड का काम कर रहा है जो लोग मानते हैं। नीचे ने एक बार बोला था कि खुदा मर गया, गॉड इज डेड। मैं इसको थोड़ा ऐड करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि गॉड इज डेड एंड द स्टेट हैज रिजन फ्रॉम इट्स एशेस। गॉड इज डेड एंड स्टेट हैज रिजन फ्रॉम इट्स एशेस। दोस्तों, अगर हम हेगल को भी पढ़ते हैं जो एक मशहूर फिलोसोफर थे, हेगल ने भी एक बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि स्टेट एक किस्म का डिवाइन मैनिफेस्टेशन है इस दुनिया में। तो ये नतीजे पर हेगल इसलिए पहुंचे थे उनके एक हेगेलियन डायलेक्टिक से। वो एक डायलेक्टिक एक ऐसा मेथड है जिसमें हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस के बारे में बातचीत होती है। जैसे कि एक प्रोपोजिशन दिया जाता है और वो प्रोपोजिशन को कहते हैं थीसिस, और फिर उसके लिए एक काउंटर प्रोपोजिशन जिसे एक नेगेशन कहते हैं, उसे नेगेट किया जाता है और उसे कहते हैं, मतलब उस थीसिस को नेगेट किया जाता है और उसे कहते हैं एंटी थीसिस। और फिर ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को रिकनसाइल किया जाता है एक नए प्रोपोजिशन में जिसे कहते हैं सिंथेसिस, और ये मेथड को कहते हैं हेगेलियन डायलेक्टिक। और इसी हेगेलियन डायलेक्टिक से हेगेल ने ये नतीजे पर पहुंचा है कि स्टेट एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन है। इसी थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस, थीसिस फिर उसी सिंथेसिस से फिर थीसिस फिर एंटी थीसिस फिर सिंथेसिस, इसी तरह जो स्टेट जो उभरा है, द आइडिया ऑफ स्टेट इज अ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। आप ये कह सकते हैं कि हेगल ने स्टेट को एक डिवाइन सैंक्टिटी दे दिया। अब इसी हेगल के एक बहुत अच्छे चाहने वाले थे जिन्हें आप उन्हें बोलिए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत इन्फ्लुएंस थे हेगेलियन डायलेक्टिक से, पर उन्होंने उसका पूरा उसे पूरी तरीके से उलट दिया। उन्होंने मार्क्स डायलेक्टिक बिल्कुल अलग है।
बहरहाल जो भी उससे हुआ कि कम्युनिज्म जो आइडिया है वो एक किस्म का, मैं भी उसे भी मजहबी मानता हूं, और वो भी एक एक ऐसे स्टेट को तैयार करा जिसको आप एक इमेजिनरी गॉड ही बोल सकते हैं। तो वो हरकतें वही है। कम्युनिज्म इज वेरी सिमिलर टू इस्लाम, अगर आप गौर से पढ़ें उसे तो, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारियट है उसे आप कह सकते हैं शूरा। अगर कार्ल मार्क्स एक पैगंबर होते हैं, अगर आप उन्हें एक मतलब अगर ये कम्युनिज्म को आप एक रिलीजन मानते हैं और मार्क्स उसके अगर पैगंबर होते हैं, तो फिर मैं स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की और एंजल्स को खुल्फाए राशिदून बोलूंगा, जिनमें शायद ट्रॉट्स्की को मैं अली का रोल दूंगा। और फिर इनमें अलग अलग फिरके भी है, जैसे कि एंटोनियो ग्रामशी, और फिर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसको आप न्यू लेफ्ट कहते हैं। ये इसी मजहब के अलग अलग फिरके हैं जिन्हें आप शिया और अहमदी बोल सकते हैं। दोस्तों, स्टेट एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है जो एक रिजिड रिलीजन, किसी एक रिजिड मजहब को भी जो बिल्कुल कट्टर है उसके भी घुटने टेकने लगा सकती है। जिसे आप आज के देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के रिफॉर्मेशन में, जो जो रिफॉर्म वो ला रहे हैं इस्लाम में। इस्लाम एक बहुत ही कट्टर आइडियोलॉजी है और मोहम्मद बिन सलमान उसे पूरी तरीके से बदल रहे हैं, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है। मतलब सोचिए कि आज से 20 साल पहले अगर कोई ये बोलता कि सऊदी अरब में इसराइली एम्बेसी खुलेगी, सऊदी अरब में औरतें ड्राइविंग कर सकती है, सऊदी अरब में म्यूजिक रहेगा, सऊदी अरब में एक फ्रीडम का माहौल रहेगा, वहां पे रिलीजन धीरे धीरे खत्म होगा, इस्लाम की कट्टरता खत्म होगी, तो लोग या तो उसे पागल बोलेंगे या तो मैं उसे कहूंगा कि भाई ये पॉसिबल है मगर कोई पैरेलल यूनिवर्स पे। पर ये सच है कि स्टेट के पास देखिए इतना पावर है कि एक रिजिड रिलीजन के भी घुटने टेकने लगा सकता है। और अगर आप करंट, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं, जो हरिद्वार में एक वाहियात किस्म के एक हेट स्पीच दी गई है, उसमें एक बीजेपी लीडर थे कोई उपाध्याय नाम के, उन्होंने कुछ भगवा कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम लिया। अब मान के चलिए अगर इन जैसे कट्टरवाद लोगों के हाथ में हिंदुस्तान की हुकूमत आती है, जो आ चुकी है कुछ हद तक, पर ये इन लोगों की अगर और मेजोरिटी बढ़ जाती है तो ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाकर फिर एक भगवा कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, जो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और इसे मैं पूरी तरीके से कंडम करता हूँ। देखिए दोस्तों, स्टेट गॉड की ही तरह है और स्टेट गॉड की तरह एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब बिल्कुल एक मजहबी खुदा की तरह स्टेट भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और ये इंसान की बनाई हुई चीज है, इट्स अ मैन मेड थिंग। अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी और वोट की एक ताकत है। हम इसका इस्तेमाल करके इस इमेजिनरी गॉड, जो स्टेट है, जो इमेजिनरी गॉड है, उसके मैंडेट को हम बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इट्स जस्ट अ थॉट। जय हिंद।